हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6th to 12th का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6th to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ रहे थे, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसके प्रकार हम पढ़ रहे थे कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो किस टाइप हो सकती हैं या फिर उसके टाइप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अभी हम कौन सा चल रहा था हमारा, विस्थापन अभिक्रिया जो होती है ना, वो विस्थापन अभिक्रिया चल रही थी, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं जिसको हम, वो रिएक्शन चल रही थी। उस रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा, उस रिएक्शन में हमने पढ़ा कि वो क्या होती है, उसके एग्जांपल्स देख रहे थे। वो इतने एग्जांपल जो मैंने आपको कराए ना, वो सारे मैंने इसीलिए कराए कि जब आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि क्या ये रिएक्शन विस्थापन है आपके, तो बोर्ड के टाइप में इस टाइप की चीज़ें पूछी जाए तो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो, तभी आप बता सकते हो। अगर वहाँ पे क्लियर नहीं है तो फिर आप कैसे बता पाओगे, तब उस टाइम ये चीज़ लगती है कि ये उस नहीं समझ में आया, नहीं पढ़ा ये सब। बट उस टाइम कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलता है, एग्ज़ाम टाइम में अगर कुछ गलत होता है तो, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसी से रिलेटेड और जो एग्जाम्पल्स है जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। केमिकल रिएक्शन कौन से चल रही थी इसके अंदर, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ रहे थे कि एक जो विस्थापन अभिक्रिया होती है उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। हम बोल रहे हैं कि उसके अंदर विस्थापन होगा, उसके अंदर ये होगा, वो होगा, तो वो जो सारी चीज़ें हैं ना, वो किस वजह से हो रही हैं, उसकी क्या ऐसी कौन सी कंडीशन हुई है जिसकी वजह से वो मतलब प्रतिस्थापन हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ हम पढ़ रहे हैं। अभी हम और क्या इसके एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम नेक्स्ट आगे कौन से एग्जाम्पल आते हैं। देखिए अगला जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं हम, वो ले रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट का, जो बार बार हम बोल रहे हैं ना, इसको प्रतिस्थापित कर दिया, इसको प्रतिस्थापित कर दिया, वही तत्व लेंगे यहाँ पे, कॉपर, ठीक है, वही तत्व लेंगे यहाँ पे, AgNO3+Cu। अभी तक हमने क्या देखा, वो चेंज जो देखा ना, वो अब आपको यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे वही चीज़, कंडीशन क्या रखना है, ये होना चाहिए, ये हो गया, और साथ में ये तीसरा जुड़ेगा, जुड़ेगा कैसे, ये और ये, और ये थर्ड जो पार्ट है ये वाला, ये लीजिए, अलग हो गया, ठीक है। इसको हमने फॉलो करते हुए चलना है कि यहाँ पे जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है, कैसे कंप्लीट होती है, हमने विस्थापन बोला तो वो विस्थापन कैसे होता है, ठीक है। तो वो चीज़ हम पढ़ते चलेंगे। तो देखिए अब हमने क्या बोला, दो हो गए ये, ये एक यौगिक हो गया, यहाँ पे क्रिया करेगा इस नेगेटिव के साथ में, ये क्या है, ऑलरेडी धातु है, धातु कैसे होते हैं, पॉजिटिव होती हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसके साथ में नाइट्रेट जुड़ जाएगा, ये जो नाइट्रेट है यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएगा, और साथ में Ag निकलेगा, समीकरण जो है उसको संतुलित कर लेंगे हम। तो ये देखिए यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट। अब एक चीज़ नोटिस करी आपने, अभी तक हम क्या रिएक्शन पढ़ते आ रहे थे, CuSO4 है, Zn के साथ हो गया, ZnSO4+ में Cu को तो बेचारे को अलग ही फेंक दिया, क्यों, क्योंकि ये तो कम क्रियाशील धातु है, जिंक जो है अधिक क्रियाशील धातु है। इसी टाइप के और भी मेटल्स हमने देखे थे जो कैसे थे, जो ज़्यादा क्रियाशील थे और वो क्या कर रहे थे, कॉपर को प्रतिस्थापित कर रहे। यहाँ पे ये जो चांदी हम बोल रहे हैं, Ag जो हम बोल रहे हैं, ये सिल्वर क्या है, यहाँ पे कम क्रियाशील है, ये जी क्या है, यहाँ पे कम क्रियाशील धातु है,
ठीक है, जबकि स्कोपर क्या है यहाँ पे, कोपर यहाँ पे ज्यादा क्रियाशील धातु है, किसके कंपैरिजन में, इस सिल्वर के कंपैरिजन में, कैसा है, ज्यादा क्रियाशील धातु है, इसीलिए इसने क्या किया कि इसने यहाँ से इसको प्रतिस्थापित कर दिया, इसको तो हटा दिया और क्या कर दिया यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट का इसने निर्माण कर दिया, इसका फॉर्मेशन कर दिया। तो ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको। इस रिएक्शन, इस टाइप के रिएक्शन में आपसे पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता, क्योंकि वो चीज़ मैंने बताई पीछे, हम तो इसी का प्रतिस्थापन पढ़ते आ रहे थे बेचारे को, उसको हर कोई आ रहा था, वो क्या कर रहा था, भगा रहा था वहाँ से, अपने घर में से सोल्यूशन बना के बैठा है बेचारा, दूसरे के साथ में क्रिया करके बैठा है, दूसरा आ रहा था उसको भगा रहा था, क्यों, क्योंकि कमजोर था। अब इसने क्या किया, अब ये एक्टिव इससे कमजोर है ना, तो ये हटा नहीं है, इसने उसको हटा दिया वहां से, ठीक है। तो वो एक कंडीशन हुई है यहाँ पे, हो गया, हट गया। ये एग्जांपल है एक तो अलग से, जो बार बार मैं इसीलिए आपको बताना चाह रही थी कि ये नहीं है कि भाई हर एक इंसान जो हमेशा, जो सदैव एक पहलवान है वो हमेशा पहलवान ही रहेगा, कोई तो उसको बोलते हैं शेर को सवा शेर मिलेगा, तो वो कंडीशन यहाँ पे हो गया, हर चीज आ रही थी, उसको बेचारे को हटा रही थी वहां से, विस्थापन विस्थापन इसी का हो रहा था। बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े हमने, कॉपर है सल्फेट का, मैग्नीशियम के साथ में, एफ के साथ में, जिंक के साथ में, सब में बेचारे को क्या होता है, इसको भगाया जा रहा था वहां से, ठीक है। लेड आया तो भी इसने इसको भगा दिया, लेकिन अब क्या किया, अब ये इसने क्या किया, जब इसको अपने से कमजोर दिखा तो अपने तो ताकत हर इंसान दिखाया गया, जब सामने वाला कमजोर दिखेगा वैसे बेचारा झेलता आ रहा है कमजोरी कमजोरी, इसको हटाया तो इसने क्या किया, इसको प्रतिस्थापित कर दिया, खुद क्या बन गया उस सॉल्यूशन में, ये विलियन बन, यहाँ पे इसने क्या कर लिया, इसका फॉर्मेशन कर दिया। तो ये जो चीज़ है ना, इस टाइप की चीज़ें आपको ध्यान रखने, कहाँ पे किसका फॉर्मेशन होना है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं क्या, अब हम ले रहे हैं एफ ई का, लोहे का, कि ये रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में, तो ये क्या बनाता है, देखिए अब इसने क्रिया करी है, अब ये थोड़ी सी चीज़ आपको अलग दिख रही होगी भाई, जैसे इस टाइप की चीज़ है वो, ये इस टाइप की, कहीं आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओ, वही बात है, इसके साथ में रिएक्शन करें क्या बनेगा, एफ ई सी एल टू निकलेगा, क्या कौन बचा है, हाइड्रोजन बचा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो गैस के रूप में क्या करती है, निकलती है। तो अब एक चीज़ बताइए आपको, ये मैंने इसको चेंज करके लिख दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है, चीज़ वही है यहाँ पे, ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसके अंदर दो पार्ट है, एच प्लस है, सी एल माइनस है, और धातुओं के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके साथ जुड़ गया, ये प्रतिस्थापन हुआ नहीं हुआ, प्रतिस्थापन क्या, एक चीज हट के दूसरी जुड़ गई, जुड़ गई नहीं जुड़ गई दूसरी, तो ये कैसे अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो इस टाइप के जो एग्जांपल्स है इसका आपको ध्यान रखना, और एग्जांपल्स ले रहे हैं, जैसे अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं सोडियम का, इसकी क्रिया करवा रहे हैं एक तरीके से, यहाँ पे देखें तो इसका जल अपघटन हम करवा रहे हैं, प्लस में एच टू, अब ये किसमें टूटेगा, देखिए अगर जल को हम तोड़े तो क्या, एच प्लस और ओ एच माइनस, ये भी धातु है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव कहाँ जाता है, नेगेटिव के पास में जाता है, ये कहाँ जाएगा, इसके पास में जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, एन ए ओ एच बना, नहीं बना, बच क्या क्या, हाइड्रोजन जो है वो गैस के रूप में निकल गई। अब ये कौन सी रिएक्शन है, जब इसे इसके साथ क्रिया करे बन गया, ये रिएक्शन दूसरे क्या कर दिया, प्रतिस्थापन कर दिया, उस चीज को हटा दिया वहां से, खुद जुड़ गया वहां पे, कैसे रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया जिसको हम बोल रहे हैं, वो विस्थापन अभिक्रिया है। तो आपको पता चल गया होगा अभिक्रिया कैसी है, विस्थापन है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप ये जो एग्जांपल्स मैंने समझाया आपको आया समझ में, ये आपके उस प्रैक्टिस के लिए हैं, ताकि आप इजीली क्या कर सको, कोई भी रिएक्शन हो आप उसको ये बता सको कि ये रिएक्शन जो प्रतिस्थापन है, दूसरी जो है वो नहीं है। तो समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए ना, ताकि मुझे पता चले समझ में आ गया है, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, और इस क्वालिटी एजुकेशन इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए आप वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियोज को शेयर करोगे उतनी ही जल्दी हमारे एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएगी। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर कीजिए, ताकि हम और भी आपको कोर्सेज जो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा सकें। और अभी तक अगर आपने हमारे पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पे आपको सारा जो मैटर है ना, वो टॉपिक टू टॉपिक सीरीज वाइज सारा मैटर मिल जाएगा। देखिए इसके अंदर क्या हो गया, ये जो प्रोसेस है ना वो कम्प्लीट हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इसी तरीके के एग्जाम्पल लेंगे, थोड़ा सा चेंज करके लेंगे कि उसके अंदर की जो प्रोसेस है ना वो किस टाइप से होगी। देखिए अब यहाँ पे Cl2 और साथ में पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इजी सा ही है।
अब पोटेशियम तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन के साथ, ठीक है। एक चीज आप यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ पे हम बार बार वो चीज बोल रहे थे कि ये क्या है, इससे ज्यादा एक्टिव प्रतिस्थापित कर दिया। अब इस टाइप से जो रिएक्शन मैंने अलग तरीके से लिख दी, तब क्या मतलब है कि यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा एक्टिव है, क्लोरीन यहाँ पे क्या है, ज्यादा एक्टिव है। सो इसने क्या कर दिया, इस सॉल्यूशन में से इसने आयोडीन को क्या कर दिया, यहाँ से अलग कर दिया और खुद यहाँ पे जुड़ के किसका फॉर्मेशन कर लिया, पोटेशियम क्लोराइड का यहाँ पे इसके साथ में जुड़ गया। तो हटा कौन है, किसी न किसी चीज का तो हटना हुआ है, नई चीज बनी है, विस्थापन करके बना दिया, तो कौन सी रिएक्शन है ये, एक विस्थापन अभिक्रिया है। अब हो गया ना प्रूफ, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, देखिए प्लस में सी प्लस एम जी क्या बनेगा। अब ये फिर से इस बेचारे को हटा दिया गया है, किसको, कॉपर को, कॉपर ऑक्साइड इसके साथ में मैग्नीशियम ने रिएक्शन करी, तो मैग्नीशियम ने क्या कर दिया, इसको यहाँ से हटा दिया। मतलब क्या, यहाँ पे ज्यादा एक्टिव कौन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या है, ज्यादा सक्रिय है यहाँ पे। कम सक्रिय कौन है, कॉपर है। ये क्या है, ये मोर रिएक्टिव है और वो क्या है, लेस रिएक्टिव। वो ये ज्यादा सक्रिय है, वो कम सक्रिय है, मतलब क्या कर दिया, ज्यादा सक्रिय ने कम सक्रिय वाले को यहाँ से हटा दिया। तो और क्या कर दिया, अब ये जो ऑक्साइड था इसके स्थान पे क्या हो गया, ये खुद जुड़ गया, जो मैग्नीशियम उसने क्रिया कर ली ऑक्साइड से, तो इसने क्या कर दिया, कॉपर ऑक्साइड के विलयन में से कॉपर को तो प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है, और खुद जुड़ गया इसके स्थान पर। मतलब कैसी रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स आप इजिली बता सकते हैं यहाँ पे, तो ये देख के कि एग्जाम्पल कौन सा और लेते हैं कि जिसे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैं आपको इसीलिए करवा रही हूँ ताकि किसी भी टाइप के सारे एग्जाम्पल, मैं एग्जाम तो इतने एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसमें से आपके एग्जाम में मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तो इसीलिए इतने सारे एग्जाम्पल से बता रही हूँ ताकि डायरेक्टली आपसे पूछे तो आपको समझ में रहे कि इसके अंदर ये चीज बनी थी, इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, वो थोड़ा मतलब है इसी टाइप का, अलग नहीं है कुछ, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जो इसके जो फॉर्मूलाज वगैरह है ना, वो जैसे एग्जाम्पल रिएक्शन किस साथ करवानी है, एल्यूमिनियम के साथ में। अब यहाँ पे कुछ अलग कंडीशन होगी, Al2O3। अब एक चीज देखिएगा, प्रतिस्थापन किस टाइप से होता है, ठीक है, इस समीकरण को संतुलित कर देते हैं। आप देखिए इसके अंदर क्या चीज होती है, 2Fe हो गया, 2Fe 3 ऑक्सीजन 2 एल्यूमिनियम। पहले हमने क्या पढ़ा, इसी टाइप की रिएक्शन में पढ़ी थी हमने, Fe के साथ में क्रिया कराया था, Fe ने क्या कर दिया, डायरेक्ट क्या जुड़ा था, ये रिएक्शन बनी, ये प्रोडक्ट बना था, मतलब इसने Fe ने रिएक्शन करी थी यहाँ पे। तो जब भी रिएक्शन करे क्लोरीन के साथ में, या फिर जो इसका सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिकम, इसने क्रिया करे क्लोरीन के साथ में, फिर सल्ट और हाइड्रोजन को निकाल दिया। मतलब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो Fe था वो एक मोर रिएक्टिव यानी ज्यादा क्रियाशील तत्व के धातु के रूप में काम कर रहा था, जबकि यहाँ पे एल्यूमिनियम ने क्या कर दिया, इसको प्रतिस्थापित कर दिया। अधिक क्रियाशील जो धातु था उसने क्या कर दिया, कम क्रियाशील धातु को इसके ऑक्साइड से FeO जो बना है इस ऑक्साइड में से क्या कर दिया, इसको प्रतिस्थापित कर दिया, विस्थापित कर दिया। इस टाइप की जो रिएक्शन होती है किसके अंदर आती है, वही विस्थापन अभिक्रिया के अंदर आती है, सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हमने ऐसा बोला कि रिएक्शन जो है इस तरीके से सारी प्रोसेस होती है, तो आपको डिफरेंस कहाँ दिखाना, रिएक्शन तो इसी टाइप की होंगी कि आपको Fe यहाँ भी दे सकता है, आपको हम दे दिया, लेकिन आपको ये जो सीरीज है ना इनकी, ये ध्यान रखनी है कि कौन से धातु ज्यादा क्रियाशील है। एक चीज का ध्यान रखेगा, अगर और कुछ याद नहीं रहे ना तो चीज ये ध्यान रखना कि जिसके साथ उसने विस्थापन किया है ना, मतलब कमजोर व्यक्ति तो ताकतवर को हटा नहीं सकता, हटाएगा तो ताकतवर ही, ठीक है, किसी कंडीशन में ये भी हाइपर ताकतवर हो जाएगा, किसी में वो कमजोर हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है और कुछ नहीं, तो आपको इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा तो सीधा कि जब किसने इसके साथ क्रिया कर ली, वहां पे वो था उसको हटा दिया, इसका मतलब भी क्या है, ये ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशन ध्यान रखनी। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ZnSO4 + Cu है तो इसमें क्या बनेगा, तो आप खुद बताइए क्या बनेगा,
जब CuSO4+ZN है, मतलब जिंक जो है ना वो ज़्यादा क्रियाशील है, इसी तो इसलिए उसने क्या कर दिया, कॉपर को हटा दिया और खुद इसकी जगह पे जुड़ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉपर तो ऑलरेडी कमजोर है, ये कैसे हटाएगा इस विलयन में से, तो इससे आप कभी भी मत करना ये CuSO4+ZN, नहीं होगा, क्योंकि जिंक क्या है यहाँ पे, जिंक यहाँ पे ज़्यादा क्रियाशील धातु है, और जो ज़्यादा क्रियाशील धातु है उसको कम क्रियाशील जो है वो यहाँ से प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशन का ध्यान रखना, इसी टाइप से आपको उलझाने की कोशिश करेगा कि एक जैसी रिएक्शंस होंगी और वही आपको लगेगा कि इसका आंसर जो ये है, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताएं कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा, और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कम्प्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज, और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।